हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेटवे क्लासेस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग और ऑपरेटिंग सिस्टम में वी आर इन यूनिट नंबर थ्री और यूनिट नंबर थ्री का आज हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट वन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज एफ सी एफ एस एफ सी एफ एस के बारे में बात कर चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो हमें इस लेक्चर में बात करना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो तो दो तरह की होती है उसका इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है नॉन प्रियमटिव तरीके से भी और वो प्रियमटिव भी हो सकती है जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो एफ सी एफ शेड्यूलिंग एल्गोर्थम है वो कैसी है वो नॉन प्रियमटिव था ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रियमटिव एंड नॉन प्रियमटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोर्थम तो वो जो एफ सी एफ एस था दैट वॉज नॉन प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव का मतलब था एक बार अगर किसी प्रोसेस को अगर प्रोसेस को एक सी एलोकेशन हो चुका है रिसोर्स का एलोकेशन हो चुका है तो जब तक वो वेटिंग स्टेट में नहीं जाता है तब तक वो आप उस काम को करता रहेगा वेटिंग स्टेट में भी क्यों जाता है क्योंकि जब उसे किसी इनपुट आउटपुट की वजह से जो प्रोसेस चल रहा है उसे रोकना पड़ता है और वेटिंग स्टेट में जाना पड़ता है अदरवाइज आप उस प्रोसेस को प्रियम्प नहीं कर सकते सी से आप उस प्रोसेस से वो सी नहीं ले सकते दिस टाइप ऑफ एलगोर्थम इज़ एफ सी एफ एस फर्स्ट कम फर्स्ट था बट इन एस जी एफ इट कैन बी पॉसिबल दैट टू इम्प्लीमेंट एस डी एफ इन नॉन प्रियमटिव मैनर यानी कि एस जी एफ का एक वर्जन है दैट इज नॉन प्रियमटिव एस जी एफ जो नॉन प्रियमटिव एस जी एफ है दैट इज सिंपली कॉल्ड एच जे एफ और यू कैन से नॉन प्रियमटिव वर्जन ऑफ एस डी एफ या एस जी एफ बट द प्रियमटिव वर्जन ऑफ एस जी एफ इज नोन एज एस आर टी एन शॉर्ट एस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट तो हमें ये दोनों ही अलगौरथम पढ़नी है तो पढ़ते हैं एक एक करके कि है तब हमें एस आर टी एन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और अगर नॉन प्रियमटिव है तो एल जी एफ में हम कैसे रिसोर्स एलोकेट करते हैं किसी प्रोसेस के लिए तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी कि जो जॉब्स में सी पी यू बस सबसे कम है उसका एलोकेशन पहले होगा ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट या फिर आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का नाम हो सकता है शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट या जैसे इसका नाम हो सकता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इट इज आल्सो नोन एज यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एक प्रोसेस को आपने सी दे दिया और उसका प्रोसेस चल रहा है और ड्यूरिंग प्रोसेस दूसरा प्रोसेस अगर हाई प्राइस उससे कम जिसका शॉर्टेस्ट है अगर ये आ जाता है तो आप उसे प्रियम्प्ट कर सकते हैं जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तो दोनों के बारे में बात करेंगे तो चलिए एक एक करके समझते हैं सबसे तो पहले बात करेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूल एलबर्थ के बारे में तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो जॉब जिसका रिमेनिंग टाइम यानी कि जिसका जो सी पी बस्ट है वो कम है उसे आप शेड्यूल करेंगे कैसे द सेल्फ दी एस जे एफ एलगोरथम सेलेक्ट दोसेस विद दस्ट एग्जीक्यूशन टाइम नेक्स्ट जो एस डे एफ एलगोरथम है उसमें कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट होगा कौन करता है प्रोसेस सेलेक्ट कहाँ की सिलेक्शन की बात हो रही है हम पहले भी कर चुके हैं सिलेक्शन का मतलब है रेडी से रेडी से रनिंग में लाने का काम कौन करता है रेडी से रनिंग में लाने का काम करता है शॉर्टेस्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो रेडी क्यू में एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उसमें से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और अगर वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को यूज करता है तो क्या करेगा दी जॉब फर्स्ट एलगोर्थम सेलेक्ट विद दी स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम नेक्स्ट उस स्मालस्ट एग्जीक्यूशन टाइम नेक्स्ट जिसका अभी जो एग्जीक्यूशन है जो जो अगर, बस अगर वो छोटा है जो होने वाला एग्जी छोटा है तो उसे सेलेक्ट करेगा टू एग्जीक्यूट शॉर्टेज फर्स्ट इज ए नॉन प्रियमटिव और प्रियमटिव दोनों ही पॉसिबल है ये नॉन प्रियमटिव भी है और ये प्रियमटिव भी है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट सेलेक्ट्स द द वेटिंग प्रोसेस विद एग्जीक्यूशन टाइम टू एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट यानी कि किसे सेलेक्ट करेगा जो एक प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में है लेकिन अगर उससे छोटा सीपीयू बस्ट का प्रोसेस आ जाता है तो आप उसे अगर प्रियमटिव है तो उसे रोक देंगे और दूसरा प्रोसेस आप उसे दे देंगे एग्जीक्यूशन के लिए the idea behind SJF scheduling is to minimize the average waiting time of the processes by executing shorter job first so idea kya hai ki jaise ftfs ke andar waiting time zyada aayega agar usi data ke upar SJF implement karenge to तो waiting time ya fir average waiting time kam aayega kyunki ye jo SJF hai इसे हम ये कहते हैं कि this is the optimal algorithm. Optimal का मतलब है सबसे अच्छा जो answer आपको मिलेगा सबसे कम जो waiting time आपको मिलेगा average waiting time मिलेगा वो किस में मिलेगा एस डी एफ में मिलेगा आगे इसकी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे इफ़ द सी पी यू बस ऑफ टू प्रोसेस आर दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनका सीपी बस सेम है तो उस समय पर तो आपको एफ सी एफ एस ही लगाना है तो एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग यूज टू ब्रेक दाइप अगर दो प्रोसेस आते हैं जिनका सीपीयू बस ट्रेक जैसा है उसमें यह पता नहीं कर सकते किसका कम है सीपीयू बस क्योंकि दोनों का बराबर है तो जो अगर दोनों का बराबर तो जो पहले रेडी क्यू में आया दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एफ सी एफ एसड्यूलिंग एलग्रथम विल टू ब्रेक

एस आर टी एफ लिखा है तो दोनों का मतलब बराबर है Shortest remaining time next, next कौन सा है जिसका काम छोटा है Shortest remaining time first, यानि कि पहला चांस किसका आएगा जिसका काम छोटा है तो दोनों बात बराबर है और एस आर टी एफ भी हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन प्रीएमटिव एसजीएफ की सबसे पहले बात करेंगे तो इन दिस वर्जन वन से प्रोसेस स्टार्ट एग्जीक्यूशन इट टर्मिनेट्स और वॉल्ट्री रिलिंक् आपको मालूम है नॉन का मतलब क्या है अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और नॉन प्रियम टाइप की अलगोरथम है तो जब किसी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है तो आप उससे बीच से नहीं रोक सकते हैं प्रियम नहीं कर सकते हैं सीपीयू आज से तो ले नहीं सकते हैं वो कब देगा अंटिल इट टर्मिनेट्स और वॉलंट्री द दीपी जब तक वो अपने आप सीपीयू को नहीं छोड़ेगा नॉन प्रियमटिव में इस टाइप की अलगोरथम में आप उससे सीपीयू नहीं ले सकते शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट बस्ट शेड्यूलर कौन सा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या सेलेक्ट करेगा रेडी क्यू से उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा जिसका सीपीयू बस सबसे कम होगा फ्रॉम दी रेडी क्यू टू एग्जीक्यूट ने किसे एग्जीक्यूट करना है उसे सेलेक्ट करेगा रेडी क्यू से कौन करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा किसको सेलेक्ट करेगा बहुत सारे प्रोसेस में से उसे सेलेक्ट करेगा जिसका सी बस्ट कम होगा दिस एल्गोरिथम कैन लीड टू स्टारवेशन ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है ये इसके साथ एक लिमिटेशन है

तो वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टार हो जाएंगे वो स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंच जाएंगे उनका कभी चांस नहीं आएगा तो दिस एल्गोरिथम कैन लीड टू स्टारवेशन फॉर लॉन्गर प्रोसेस इफ शॉर्टर छोटे प्रोसेस आते रहेंगे तो बड़े प्रोसेस का चांस नहीं आएगा क्योंकि तो यही एल्गोरिथम है यही इसका प्रिंसिपल है कि जो छोटा होगा दैट विल बी सिलेक्टेड फिर छोटा है फिर छोटा है बड़ा बड़ा नहीं सिलेक्ट होगा तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है दैट इज नोन एज स्टारवेशन उसका एक सोल्यूशन भी है जब स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं एक एजिंग इसका आंसर है एजिंग का मतलब है हम उसकी एज बढ़ाते हैं कि जैसे अभी देखते हैं इसके में कैसे करेंगे आगे बढ़ेंगे अभी स्टारवेशन रेफर टू सिचुएशन वेयर ए प्रोसेस इज अनेबल टू प्रोसीड बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली बींग प्रोसेस इवन दो इट इज एलिजिबल एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन यानी कि स्टारवेशन का क्या मतलब है वो प्रोसेस एलिजिबल भी है और उनका चांस भी आ सकता है वो एलिजिबल भी है वो रेडी क्यू में है उनका चांस आना चाहिए लेकिन छोटे प्रोसेस की वजह से उनका चांस नहीं आता है तो स्टारवेशन टू सिचुएशन सिचुएशन है ए प्रोसेस प्रोसेस इज अनेबल को चांस नहीं मिलता टू प्रोसीड उसे प्रोसेस करने का चांस नहीं मिलता बिकॉज इट्स मिलताई बाईपास बार बार उसे अनदेखा किया जा रहा है बाय अदर प्रोसेसिस इवन दो इट इज एलिजिबल एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन वो एलिजिबल भी है और वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी भी है रेडी क्यू में भी है बट दैट प्रोसेस इज नॉट गेटिंग द चांस बिकॉज ऑफ ज वेटिंग टाइम मिलता है मूविंग ए शॉर्ट प्रोसेस बिफोर ए लॉन्ग वन डिक्रीजेज दाइम ये ऐसा ही होगा अगर आप किसी अलगोरथम पे पहले एस डी एफ एस लगाएंगे किसी डेटा के ऊपर फिर आप उसके ऊपर एस डी एफ लगाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द लेस वेटिंग टाइम यानी कि डिक्रीज इट विल डिक्रीज द वेटिंग टाइम ऑफ शॉर्ट प्रोसेस मोर देन इट इंक्रीज द वेटिंग टाइम ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस कॉन्स्टेंट कॉन्सिक्वेंटली द एवरेज वेटिंग टाइम डिक्रीज द रियल डिफिकल्टी विद दी एफ इज नोन एज लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सी पी यू रिक्वेस्ट ये एक बात यहाँ पे प्रॉब्लम है ये अभी मैं सबसे लास्ट में इसके साथ प्रॉब्लम का डिस्कशन करूंगा लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आ जाती है कि ये कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल है पता करना कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका सी पी यू बस्ट कितना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ठीक है अभी तो हमें न्यूमेरिकल देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कंसिडर द फॉलोविंग फॉर प्रोसेसिस एंड सी पी बस टाइम चार प्रोसेस हैं आपके पास प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर और सीपी यू बस टाइम कितना है मिली सेकेंड नैनो सेकेंड ये देख लीजिएगा जो एग्जाम में लिखा है वही आंसर में लिखिएगा तो सीपी यू बस टाइम कितना है सिक्स है पी वन का

तो आप समझ जाइए कि क्या लिखा है नॉन प्रियमटिव लिखा है नॉन से सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इसका है, उसके लिए साफ -साफ लिखा होगा एस आर टी एफ तो यहां पे जो बात चल रही है वो एसडीएफ की चल रही है एसडीएफ शेड्यूलिंग का मतलब नॉन प्रियमटिव ठीक है मैं यहाँ कंफ्यूजन नाउ इसलिए हटा देता हूं इसे नोट्स में आपको लगेगा ये क्वेश्चन पूछा गया एसडीएफ का मतलब है? सेम विद एफ सी एफ एड्यूल एलगोर्थम देखिए अभी जो आपने बात कही कि इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टूर अदर एल्गोरिथम आप किसी भी एल्गोरिथम से सॉल्व कीजिए अगर आप एच डी एफ इंप्लीमेंट करेंगे या फिर आप नॉन आप प्रियमटिव एच डी एफ करेंगे तो यू विल गेट द मिनिम एवरेज वेटिंग टाइम तो इस क्वेश्चन से आपको बात समझ में आएगी नुमेरिकल इस टाइप का है डेटा आपको मिला हुआ है कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग एस जी एफ शेड्यूलिंग एंड कम्पेयर द सेम विध एफ सी एफ इसके ऊपर आपको एफ सी एफ एस भी लगाना है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसे क्या लगाएंगे कंसीडर द फॉलोइंग गेंट चार्ट फॉलोविंग एस जे एफ ठीक है तो एस जे एफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले गेंट चार्ट बनाएंगे हमेशा जैसे एफ सी एफ एस में हमने गैट चार्ट बनाया था तो सबसे पहले आया अराइवल uh, टाइम तो गिवन नहीं है इसके अंदर अराइवल टाइम सीधा सीधा है कि सबसे छोटा किसका सी पी यू बस्ट है सबसे छोटा पी फोर का है

टू का चांस आएगा और ये कितना हो गया ट्वेंटी फोर हो गया चौबीस में प्रोसेस आई डी आपको मिली हुई है वहीं से कॉपी किया मैंने प्रोसेस आई डी पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी वन पी टू पी थ्री पी फोर और सिक्स एट सेवन थ्री सिक्स एट सेवन थ्री नाउ कैलकुलेट दी एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट दी वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम तो पहले वेटिंग टाइम निकालेंगे फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो पी वन को गेंट चार्ट से देख लेंगे बहुत सिंपल है पी वन को कितनी देर वेट करना पड़ा थ्री यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ पी वन को कितनी यूनिट के लिए कितने देर के लिए वेट करना पड़ा थ्री यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा पी टू को कितनी देर वेट करना पड़ा सिक्सटीन यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ा सिक्सटीन पे उसका चांस आया क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे उसके बाद पी थ्री को कितनी देर वेट करना पड़ा पी थ्री का जो वेटिंग टाइम है पी थ्री कहाँ पे पी थ्री यहाँ पे पी थ्री को जो वेट करना पड़ा नाइन यूनिट ऑफ टाइम का वेट करना पड़ा तो यू विल राइट नाइन उसके बाद पी फोर को कितनी देर वेट करना पड़ा पी फोर को बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले चांस किसका आया पी फोर का आया तो पी फोर को जीरो के लिए वेट करना पड़ा यू विल राइट है जीरो ठीक है तो टोटल तो तो यही निकाल देते हैं पैंतीस नौ नौ दिन अट्ठारह और एक ट्वेंटी एट आ गया

उसके बाद कौन आया पी टू आया कितनी देर के लिए एट यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो आठ से चौदह हो गया उसके बाद पी थ्री आया कितने के लिए पी थ्री आया सेवन के लिए तो ये हो गया ट्वेंटी वन पी फोर आया थ्री यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो कितना हो गया ट्वेंटी फोर हो गया ठीक है गेंद चार्ट बन गया अब इसके लिए निकालते हैं एफ सी एफ एस के लिए तो गेंद चार्ट से हम वेटिंग टाइम देख सकते हैं कि पी वन को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा ज़ीरो के लिए वेट करना पड़ा पी वन को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा रेख ले लेता हूँ P1 को जीरो यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा P2 को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा इसे देख रहा हूं P2 को सिक्स यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा P3 को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा 14 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा 14 लिख दिया P4 को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा 21 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा 21 आ गया 21 ही था हां 21 है 21 पे शुरू हुआ वेटिंग का मतलब है 24 पे आके P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये इसका क्या हो गया वेटिंग टाइम जैसे पी थ्री कब शुरू हुआ फोर्टीन पे हुआ तो फोर्टीन इसका वेटिंग टाइम हो गया चलिए कैलकुलेशन करते हैं तो छः चार दस और एक ग्यारह दो एक तीन और चार आप भी देखिएगा कैलकुलेशन तो गलती हो तो बताएं फोर्टी वन के बाद कितने से डिवाइड करना है फोर से करना है इट विल कम फोर वन या फोर तो ये वन आ गया ये पॉइंट आ ये जीरो आ गया फिर ये जीरो आ गया चार धूनी पॉइंट आ गया चार दूरी आठ आ गया फिर ये दो बचा और चार पंजे देख लीजिए यही बात हो रही थी

और इन बिटवीन जब आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है मान लीजिए उसे फाइव यूनिट ऑफ टाइम की जरूरत है फोर आप एग्जीक्यूट कर कर चुके हैं और सॉरी आपने दो एग्जीक्यूट किए और एक नया प्रोसेस आता है वो जैसी प्रोसेस आता है रेडी क्यू में और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना वन है तो भले ही आप उस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन आपको उसे रोकना पड़ेगा उसे प्रियम्प्ट करना पड़ेगा और जो रेडी क्यू में उससे कम शॉर्टेस्ट यानी कि सी पी बस का प्रोसेस अवेलेबल है उसे आप एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे इसमें कंटेक्ट स्विचिंग बहुत होती है देखते हैं क्या करना है

शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट और एस एस आर टी एन वे द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस वे करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है कैन बी इंटरप्टेड उसे बीच में रोका जा सकता है इफ ए न्यू प्रोसेस विद ए शॉर्टर सीपी बस टाइम अराइव अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी चल रहा है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे सपोज उसे फाइव यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है उसे आपने सीपी यू एलोकेट कर दिया उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया वन यूनिट में काम भी कर चुका है लेकिन जैसे ही आपने रेडी क्यू के अंदर एक नया प्रोसेस है जिसका जो सी पी बस रिक्वायरमेंट है वो थ्री यूनिट ऑफ टाइम है तो उसको इम्रियम्ट कर दिया जाएगा क्योंकि और जो उससे कम जो सी पी बस का प्रोसेस आया उसे सीपी यू एलोकेट कर दिया जाएगा दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड बिहाइंडी वे देख लीजिए इन एस आर टी एन ए रनिंग प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड जो प्रोसेस रन हो रहा है उसे रोक सकते हैं यानी कि प्रीएम्प्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस से रो, वो प्रोसेस रोक सकता है जिसका जो बस टाइम है वो कम है न्यू process सेलेक्ट the, 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 the smallest remaining। यानी कि वेन ए न्यू प्रोसेस अराइव जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा तब भी वो चेक करेगा और दी करंटली रनिंग प्रोसेस कंप्लीट और जब कोई किसी प्रोसेस का कंप्लीशन हो जाएगा अगर ये नॉन प्रियमटिव होता तो ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती न्यू अगर ये न्यू आता है काम, कर काम करेगा लेकिन, के केस न्यू जब कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में आता है और दी करंटली रनिंग प्रोसेस कंप्लीट इट सीपीयू बस्ट और जो प्रोसेस ऑलरेडी सीपी जिसके ऊपर काम कर रहा है अगर उसका काम पूरा हो जाता है तो दोनों बातों में दी शेड्यूलर सेलेक्ट कौन सा शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट दी प्रोसेस विद दिमेनिंग बस टाइम यानी कि जो नया प्रोसेस आया ये मतलब इसी बात से उसका तो कितना बचा है का मतलब है कि ऐसा भी सिचुएशन होगी कि आप एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसे आपने इंटरप्ट कर दिया दूसरा प्रोसेस आ गया प्रियम कर दिया दूसरा प्रोसेस आ गया उसका थोड़ा सा काम हुआ फिर वो उससे छोटा आ गया तो उसे बाहर निकाल दिया तो यानी कि उन सब में से उसका चांस आएगा जिसका काम कम देर का होगा यानी कि जिसका सी बस्ट कम होगा इट रिक्वायर दी एबिलिटी टू एस्टिमेट द रिमेनिंग टाइम ये बहुत मुश्किल काम है ये इम्प्रैक्टिकल है अभी बात आपके समझ में आ जाएगी ये इम्प्रैक्टिकल है इसका इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है लेकिन क्या लिख रहे हैं इट रिक्वायर एबिलिटी टू एस्टिमेट एस्टिमेट करना पड़ेगा द रिमेनिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस विच इज यूजली नॉट नोन इन दी एडवांस जो पहले से पता नहीं होता है इसीलिए इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स इज वेरी टफ बिकॉज उसमें हम एस्टिमेशन के ऊपर काम करते हैं

पर ध्यान से करेंगे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी तरीके से सही साल करने जल्दी सॉल्व करने की टू यूनिट ऑफ टाइम P1, 0, 1, में अराइवल टाइम का क्या मतलब है कि रेडी क्यू में ये जीरो टाइम पे आता है सपोज ये ये दस बजे आता है ये ग्यारह बजे आता है ये बारह बजे आता है ये तेरह बजे आता है इस तरीके से आप मान सकते हैं कि P1 का जो अराइवल टाइम है यूनिट ऑफ़ टाइम, का जो है, time, एक आया, दो आया, तीन आया। और यूटिलाइज करना है वो एन एस पी लिख सकते हैं कुछ लिखा है तो बस ही लिखिए एट यूनिट ऑफ टाइम फोर यूनिट ऑफ टाइम नाइन यूनिट ऑफ टाइम फाइव यूनिट ऑफ टाइम ठीक है करना क्या है कैलकुलेट दी एवरेज वेटिंग टाइम

हमने नॉन प्रीएम्प्टिव लगाया तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीएम्प्टिव एच डी एफ और हम क्या बनाते हैं गेंद चार्ट बनाते हैं प्रीएम्प्टिव में सबसे पहले प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं तो गेंद चार्ट बनाते हैं चलिए ठीक है तो गेंद चार्ट यहाँ बना लेते हैं तो सबसे पहले जीरो पे ज़ीरो पे एक प्रोसेस पी वन आया तो जब ज़ीरो पे तो एक ही प्रोसेस है अब जब आया ही एक प्रोसेस रेडी क्यू में तो आप कंपेयर किससे करें <coughs> इसी का चांस आएगा लेकिन इसको आप केवल वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाइए क्योंकि वन यूनिट ऑफ टाइम पे कोई प्रोसेस आ रहा है फिर आपको उसे, उसे करना पड़ेगा। तो मैंने वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो रन हो, 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 हो गया यही तो उसने लाइन लिखी थी उसने क्या लिखा था वेन यू प्रोसेस अराइव जब एक नया प्रोसेस आए तब और जब एक प्रोसेस बाहर चला जाए तब आपको सेलेक्ट करना है अब आपका होगा नया प्रोसेस आ रहा? आ रहा है जी बिल्कुल क्योंकि अगला जो प्रोसेस है पी टू उसका यूनिट ऑफ टाइम क्या है उसका अराइल टाइम क्या है वन है तो जैसे ही वन पे पी टू आया तो आपने देखा ये दो प्रोसेस रेडी क्यू में है तो दो प्रोसेस इसका तो जो टाइम बचा है सेवन यूनिट ऑफ टाइम इसका जो टाइम है वो फोर है तो ऑब्वियसली किसका चांस आएगा इसका चांस आएगा पी टू का लेकिन इसे भी आप कितनी देर के लिए रन करेंगे इसे भी आप वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही रन करेंगे क्योंकि दो बजे दूसरा प्रोसेस आने वाला है तो ये नोट कर लीजिए कि ये अब इसका जो सीपीयू यू बस है कितना है थ्री यूनिट ऑफ टाइम बचा है अब जैसे ही टाइम टू पे आए तो एक रेडी क्यू में एक प्रोसेस और आ गया अब रेडी क्यू में तीन प्रोसेस हो गए जिसका एक का सीपी बस है सेवन एक का थ्री एक का नाइन तीनों में से कौन छोटा है यही छोटा है जिसका प्रोसेस चल रहा है तो एक बार और चलाइए को और यूनिट ऑफ टाइम कितना हो गया थ्री माइनस वन इक्वल टू इट विल बिकम टू ठीक है इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी थ्री पे एक नया फिर आ गया प्रोसेस अब थ्री पे पी फोर भी आ गया यही दिमाग लगाना है

अब सेवन नाइन फाइव में से किसका चांस आएगा पी फोर का चांस आएगा फाइव यूनिट ऑफ टाइम के लिए पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा कोई नया नहीं आना है, तो फाइव प्लस फाइव कितना हो गया टेन हो गया तो फाइव माइनस फाइव जीरो हो गया ये मेंटेन कर लीजिएगा इस तरीके से अदरवाइज कंफ्यूजन होगा हो फिर किसका चांस आएगा अब नाइन और सेवन में कौन छोटा है सेवन छोटा है तो किसका चांस आएगा पी वन का चांस आएगा कितनी देर के लिए सेवन के लिए तो कितना हो जाएगा सेवनटीन हो जाएगा देखो इसे बहुत ध्यान से करना है अगर गेंट चार्ट सही है तो आंसर सही आएगा गेंद चार्ट अगर सही नहीं बनाए

तो तो ही आया तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एग्जाम के अंदर चारों का एग्जीक्यूशन हो चुका है चलिए अब चार्ट बन गया हमें क्या निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सब काम करना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कंप्लीशन टाइम निकालना होगा क्योंकि तो कंप्लीशन टाइम निकालने से एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम से यानी कि टर्न अराउंड से क्या निकलेगा वेटिंग टाइम निकलेगा इसका एक छोटा सा तरीका भी है वो भी देखेंगे ये केवल वो तरीका जो मैं आप छोटा तरीका इसका बताऊंगा वो तब इम्प्लीमेंट होगा जब केवल एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है लेकिन जनरली सब कुछ पूछा जाता है टर्न अराउंड टाइम तो जरूर पूछा जाता है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम तब वो जो दूसरा प्रोसेस बताऊंगा वो नहीं लग पाएगा देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मैंने लिख लिया पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी वन पी टू पी थ्री पी फोर जीरो वन टू थ्री अराइवल टाइम है जीरो वन टू थ्री अराइवल टाइम है देन सी पी ओ बस एट फोर नाइन फाइव एट फोर नाइन फाइव जनरली एग्जाम में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं ये वाला लिख लेते हैं वैल्यू नहीं हमें तो वही लिखना है जो सी पी बस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो तो हमारी टेम्प्रेरी एक्सरसाइज थी गेंट चार्ट बनाने के लिए कंप्लीशन टाइम देखिए पी वन कब कंप्लीट हुआ पी वन देखिए यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा सेवेंटीन पे तो देखिए पी वन को यहाँ भी चांस मिला यहाँ भी चांस मिला लेकिन अल्टीमेट कंप्लीट कहाँ हुआ अल्टीमेटली वो कंप्लीट हुआ सेवनटीन पे तो क्या लिखेंगे सेवेंटीन लिखेंगे कंप्लीशन टाइम कितना हुआ सेवनटीन पी टू का कंप्लीशन टाइम देखिए P2 टू को इधर से देखेंगे कंप्लीस टाइम के लिए P2 टू कहाँ जाए कंप्लीट हुआ फाइव पे जाके कंप्लीट हुआ तो फाइव लिख लेंगे यहाँ पे ये हमने पिछले में भी किया था P3 थ्री कहाँ कंप्लीट हुआ P3 बिल्कुल लास्ट में ट्वेंटी सिक्स हुआ उसका कंप्लीस टाइम कितना है ट्वेंटी सिक्स पी फोर का कंप्लीस टाइम निकालिए पी फोर कहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ पी फोर हुआ टेन पे ठीक है ना इसके बाद पी फोर नहीं है पी फोर कंप्लीट कहाँ पे हुआ टेन पे समझ रहे होंगे आप लोग तो टेन पे जाके ये कंप्लीट

टोटल टाइम होता है तो कंप्लीट तो कहाँ तक हुआ उसमें से बस वो आया कब था वो वो माइनस कर दीजिए अगर वो आप कह रहे हो कि दस बजे आया और वो बारह बजे कंप्लीट हुआ तो उसका मतलब टोटल टाइम कितना मिला दो घंटे मिले ठीक है लेकिन अगर आपने सुबह नौ बजे से ही लगा लिया आया वो दस बजे से नौ बजे से लगा लिया तो वो बात नहीं बनेगी तो कंप्लीशन टाइम कितना है यहाँ लिख लेता हूँ सेवनटीन दिस इज जीरो फाइव इजी होगा ट्वेंटी सिक्स दिस इज टेन माइनस 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 एन अराइवल टाइम इज जीरो वन टू थ्री दिस इज जीरो वन टू थ्री क्या वैल्यू आएगी इट इज सेवेंटीन क्या वैल्यू आएगी दिस इज फोर क्या होगा छब्बीस माइनस दो कितना आएगा चौबीस और ये कितना आएगा सेवन तो ऐड कर लेता हूँ तो कितना हो गया सात चार ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह पाँच बीस और दो बाईस दो, दो, दो तीन और दो पाँच देख लीजिएगा क्या कैलकुलेशन है आंसर यहाँ लिखा नहीं है शायद एवरेज टर्न अराउंड नाइन तो फिफ्टी टू बाई कितना करेंगे फोर करेंगे तो फाइव वन जा फोर वन जा फोर कितना बचा वो

ये आठ चार नौ पाँच कितनी वैल्यू आएगी तो ये हो गया दो सात और दो नौ जीरो नौ लिख लेता हूँ चार में से चार गए ये ज़ीरो आ गए ये नौ गए तो पंद्रह पाँच चार पंद्रह आ गया उसके बाद ये कितना आ गया सात में से पाँच गए तो जीरो हो गए टोटल कर लेता हूँ नौ और पाँच चौदह और दो सोलह एक यहाँ पे आ गया दो तो ये आ गया ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स को अगर अब निकालना एवरेज किससे डिवाइड करेंगे फोर से करेंगे तो चार छिक चौबीस

प्रियमटिव एस जी एफ से करना है तो नॉन प्रियमटिव एच डी एफ के लिए क्या करेंगे नॉन प्रियमटिव एफ एस डी एफ के लिए पहले गेंट चार्ट बनाना होगा देखिए बनाते हैं गेंट चार्ट सॉरी नॉन प्रियमटिव एस डी एफ के लिए क्या करेंगे गेंद चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे मैं जगह थोड़ी कम है लेकिन हो जाएगा तो सबसे पहले ये यही मान लेते यही नुमेरिकल है वो यही से कॉपी किया हुआ है तो सबसे पहले जीरो पे कौन आएगा पी वन आएगा तो जब एक बार पी वन आ गया तो जीरो पे तो एक ही प्रोसेस था पी वन आ गया तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा कौन सा एक ही तो आया अभी कौन सा आया पी वन आया तो पी वन आया रेडी क्यू में जीरो यूनिट ऑफ टाइम पे और जब जीरो से वो वन पे आया होगा तब तो दूसरा आया लेकिन ये कैसी एल्गोरिथम है ये नॉन प्रियमटिव है एक बार सीपी जिसपे काम करना शुरू कर देगा आप उसे प्रियम्प नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपने पूरा एट चलाया सारे आ गए होंगे इसके बाद अब इन सब में से मिनिमम देख लीजिए कौन सा है एट ऑलरेडी हो चुका इनमें से मिनिमम कौन सा है इनमें से मिनिमम है फोर तो किसका चांस आएगा पी टू आएगा ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा पी वन हो चुका पी टू आ गया फोर उसके बाद अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है फाइव आएगा फाइव का मतलब कि पी फोर आ जाएगा पी फोर कितना हो गया फाइव बारह और पाँच सत्रह हो गया उसके बाद पी थ्री बचा नौ पी थ्री आ गया नौ और सात सोलह यानी कि छब्बीस हो गया ठीक है देखो अगर ये सही बना होगा तो आंसर सही आएगा और ये गलत बना होगा तो नहीं आएगा दोबारा देख लीजिए सबसे पहले रेडी क्यू में टाइम जीरो पे एक ही प्रोसेस है ये तो वन पे आया तो जीरो पे एक ही था तो कोई कंपेरिजन नहीं है कौन सा छोटा यही छोटा है सबसे तो ये अब ये अब पूरा चलेगा अगर ये प्रीएम्प्टिव होता तो पूरा नहीं चलाया था प्रीएम्प्टिव था तो वन पे फिर चेक किया था जब नया प्रोसेस आता तो चेक किया था लेकिन ये कैसा नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये पूरा रन होगा आठ तक ठीक है ये रन होने के बाद अब चूंकि एट यूनिट ऑफ टाइम पे पहुंच चुके हैं तो ये अराइवल टाइम जीरो बजे एक बजे दो बजे तीन बजे तो आठ बज चुके हैं हम तो आठ बजे तक तो सारे रेडी क्यू में आ गए अब इनमें से मिनिमम देखना ये ऑलरेडी हो चुका है इनमें से मिनिमम कौन सा है इनमें से मिनिमम पी टू है तो आठ और चार बारह हो गया फिर इनमें से मिनिमम कौन सा है पी फोर है उसका फाइव यूनिट ऑफ टाइम है तो ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन हो गया फिर यह पी थ्री हो गया सेवनटीन प्लस नाइन हो गया तो नोट सात सोलह छब्बीस हो गया ठीक है अभी से सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये फिर से लिख लिया अब कंप्लीशन टाइम देखिए इसी चार्ट को देखते हैं पी वन का एट है का कंप्लीशन टाइम कितना है एट है पी टू का ट्वेल्व है पी टू है, का पी थ्री है? है, का कंप्लीशन टाइम इज ट्वेंटी सिक्स डेट इज ट्वेंटी सिक्स पी फोर का कंप्लीशन टाइम इज सेवनटीन सेवनटीन हो गया ठीक है

एक आ गया दो और दो चार और एक पाँच फिफ्टी सेवन आ गया तो फिफ्टी सेवन को किससे डिवाइड करना है हाउ मेनी प्रोसेस फोर प्रोसेसेज हैं तो एवरेज निकल के आएगा तो ये कितना आ गया फोर वन जा फोर ये कितना हो गया सेवन चार तारह चार चौक सोलह तो ये सोलह हो गया फिर एक बचा पॉइंट लगा लिया जीरो आ गया तो ये कितना हो गया चार धुनी आठ हो गया फिर तो उसके बाद ये दो बचा तो चार पंजे ये बीस हो गया ठीक है बीस हो जाए ठीक है तो आंसर कितना आया फोर्टीन पॉइंट टू फाइव कितना आ गया फोर्टीन पॉइंट टू फाइव निकालते हैं अभी वेटिंग टाइम निकालते हैं वेटिंग कैसे निकलेगा? Minus तो कितना निकला? 8, मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है सीपीयू बस टाइम कैलकुलेशन होते ही गड़बड़ होते ही आंसर गलत हो जाएगा सीपीयू बस टाइम कितना है एट फोर नाइन फाइव एट फोर नाइन फाइव इसीलिए मैंने आंसर लिखे हैं कि एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने कैलकुलेशन सही की है दो और एक तीन थर्टी वन आ गया तो थर्टी वन को किससे डिवाइड करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे चार सत्ते आ गया, तो कितना बचा अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस तीन हो गया पॉइंट लगा लिया जीरो आ गया

P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time भी given है two one four zero two और CPU burst time one five one six three. ठीक है? ये table भी ली है. फिर से arrival time given है. Calculate the average waiting time. मैं color change करता हूँ पहले तो. Calculate the average waiting time and response time. अब response time भी calculate करना है. जैसे FCFS में किया था. इसी तरीके से अब response time भी calculate करना है. Using non-preemptive SJF. और कौन सी लगानी है?

P5 आएगा P5 कितना आएगा थ्री आएगा तो आठ और तीन ग्यारह हो गया उसके बाद कौन आएगा P2 आएगा P2 कितना हो गया पांच ग्यारह और पांच सोलह हो गया टोटल कर लेता हूँ पांच और एक छत सात तीन दस और छ सोलह हाँ टोटल कितना है सोलह ही है ठीक है तो सिक्सटीन आ गया सॉल्व करते हैं अब क्या क्या निकालना है रेस्पॉन्स टाइम तक सब कैलकुलेट करना है चलिए कर लेते हैं सब कैलकुलेट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कंप्लीशन टाइम निकालते हैं ये सब गिवन है मैंने एज इट इज लिख लिया कंप्लीशन टाइम निकालें कैसे P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है सेवन है P1 वन कंप्लीशन टाइम इज सेवन P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है साथ साथ कर सकते हैं आप P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है सिक्सटीन है P3 थ्री कंप्लीशन टाइम इज P3 थ्री कंप्लीशन टाइम इज एट वो एट है P4 फोर कंप्लीशन टाइम इज P4 फोर इज सिक्स पी फोर कंप्लीशन टाइम इज सिक्स एंड P5 फाइव कंप्लीशन टाइम इज इलेवन ठीक है ये आ गया इसके बाद टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो कंप्लीशन टाइम निकाल चुका हूं दोबारा लिख लेता हूं 716 एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ठीक आनी चाहिए इस वजह से मैंने दोबारा लिख लिया और अराइवल टाइम कितना है देखिए अराइवल टाइम इसी ऐसे इस तरीके से लिखना है 21402 21402 सात में से दो गए तो पांच आ गया ये कितना आ गया पंद्रह ये कितना आ गया चार ये कितना छः ये कितना आ गया नौ आ गया टोटल कर लेता हूँ पांच, पांच पांच दस दस और चार चौदह छः बीस और नौ उनतीस दो तीन तीन थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन को अगर मैं कितने प्रोसेस हैं फाइव प्रोसेस हैं फाइव से करूंगा तो कितना आएगा पाँच सत्ते पैंतीस कितना आ गया फोर आ गया पॉइंट लगा लिया जीरो आ गया पाँच अठे चालीस कितना आ गया ये आगे अब सेवन पॉइंट एट बिल्कुल ठीक आ रहा है सेवन पॉइंट एट सबसे पहले एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा है अच्छा नहीं पूछा है नहीं एग्जाम में तो क्या पूछा है वेटिंग टाइम पूछा रेस्पॉन्स टाइम तो वेटिंग टाइम तभी निकलेगा जब ये निकाल लेंगे टर्न अराउंड तो ये इजी तरीका वेटिंग टाइम के लिए क्या है टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपी बस टाइम याद हो जाना चाहिए आपको तो टर्न अराउंड टाइम कितना है फिर से लिख लेता हूँ नाइन माइनस लगा लेता हूँ माइनस सीपीयू बस माइनस 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 TPU बस कितना है सीपीयू बस देख लीजिए तो 1, 1, so, 1, 1, equal, uh, देख लिए ये गलती नहीं होनी चाहिए ये कितना आ गया थ्री आ गया ये जीरो आ गया ये 6 आ गया जोड़ लेता हूँ चार तीन सात और 6 सात तेरह का एक दो तो कितना आ गया ट्वेंटी थ्री आ गया ट्वेंटी थ्री को कितने से डिवाइड करूंगा ये करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा पांच चौक बीस थ्री पॉइंट लगा दिया जीरो और पांच हो गया तो कितना आ तो आ गया गया दिस इज तो आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इट इज फोर पॉइंट सिक्स अब क्या निकालना है रेस्पॉन्स टाइम निकालना है रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन माइनस पहली बार सीपीयू तो मिला उसे माइनस अराइवल टाइम तो फर्स्ट टाइम ई वन को कब मिला P1 को मिला सिक्स पे मिला अच्छा दूसरी बात ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं नॉन है तो जो रेस्पॉन्स मिला, मिला. मिला वो सिक्स पे मिला पीटू को पहली बार रेस्पॉन्स मिला इलेवन पे मिला तो पीटू को पहली बार कहा मिला इलेवन पे मिला आप लिख लेते हैं इलेवन पे मिला पी थ्री को रेस्पॉन्स कब मिला थ्री को मिला सेवन पे सेवन लिख लेता हूँ और पी फोर को रेस्पॉन्स कब मिला पी फोर को रेस्पॉन्स मिला जीरो पे तो जीरो लिख लिया मैंने और पी फाइव को रेस्पॉन्स कब मिला P5 को रेस्पॉन्स मिला एट पे तो एट लिख लेता हूँ और माइनस किससे करना है माइनस 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 अराइवल टाइम करना है अराइवल टाइम क्या टू वन फोर जीरो टू टू वन फोर जीरो टू सिक्स माइनस टू इज फोर इलेवन माइनस इलेवन माइनस वन इज टेन 7 -4 3, 0 8 -2 6. तो इसे जोड़ लेता हूं, कितना आएगा छः तीन नौ और चारेरह और दस तेईस आ गया तो वहां भी तेईस ही आया था और जब तेईस से आप डिवाइड करेंगे, किसे? चार से करेंगे कितने, है? 5 हैं। कितने है? 5 हैं। तो आपको मालूम है फाइव से तेईस को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट वॉट यू विल गेट फोर पॉइंट ये बात हमने पहले ही समझ ली थी इफ इट इज ए नॉन प्रियमटिव टाइप ऑफ एलगोरथम

तो वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा कितना होगा फाइव हो जाएगा ठीक है अब वन यूनिट ऑफ टाइम पे ये भी आ गया अब दो प्रोसेस हो P2 भी हो हो गए भी 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 गया गया और P4 भी हो गया, लेकिन इसका सीपीयू बस फाइव है इसका भी CPU बस है तो जो चल रहा था जो पहले आया था उसी को चलाएंगे तो इसे वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैं और चलाता हूं तो पी फोर कितना हो गया टू हो गया और ये कितना हो गया माइनस वन हो गया ठीक है तो माइनस वन हो गया तो कितना आ गया ये फोर हो गया अब कितना हो गया अराइवल टाइम टू हो गया अब टू पे ये भी आ गया ये भी आ गया अब अब ये देखिए चार प्रोसेस हैं इसका है ये चार प्रोसेस हैं इसका वन फाइव फोर थ्री वन फाइव फोर थ्री तो मिनिमम किसका है वन है पी वन आ जाएगा पी वन का चांस आया कितनी देर के लिए चलेगा एक के लिए चलेगा और एक चलते ही उसका काम पूरा हो जाएगा ठीक है अब थ्री यूनिट ऑफ टाइम पे कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा है. ये तो फोर फोर यूनिट ऑफ टाइम पे आ रहा है तो थ्री पे नहीं आ रहा दिस इज तो 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 अभी भी वही सिचुएशन है, हो 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 चुका, five, फिर उसके बाद so, so, चलाऊंगा के लिए, ये so, कितना जाएगा four, three minus one equals to four हो जाएगा, अब देखे, four point of time पे, four unit of time पे कौन आ गया पी थ्री भी आ गया अब सब में देखना है कौन है छोटा अब सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं अब सब में देखना छोटा कौन सा है ये तो हो चुका है फाइव वन फोर फोर तो वन वाले को चला दीजिए अब और पहले मैं पी फोर को चलाऊंगा तो, तो वन वन कितना फोर चलाऊंगा नाइन हो गया ठीक है तो चलिए तो देख लिया कुछ मुझे गड़बड़ लगने लगी है नहीं ठीक है अभी फिलहाल देखते हैं फोर माइनस फोर कितना हो गया जीरो अब कौन बचा फाइव और कौन बचा फोर तो पी फाइव आएगा वो कितना चलेगा कितना चलेगा पी फाइव फोर के लिए चलेगा तो और चार तेरह हो जाएगा तो ये भी कितना हो गया फोर माइनस फोर जीरो हो गया पी टू आ जाएगा अब पी टू चलेगा कितना चलेगा फाइव यूनिट ऑफ टाइम है फाइव तो तेरह पांच कितना हो गया अठारह हो गया अठारह ही है के, तो पांच और एक छत तीन दस और छोलह देखिये गलती है मैं कह रहा हूँ सोलह है यह पांच और एक छत सात तीन दस और छह ये टोटल ही सिक्सटीन है और इट कैन बी एटीन इसी तरीके से आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में इट शुड नॉट बी लाइक दिस दोबारा देखते हैं सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा मिस्टेक हमने की है फिर देखते हैं दोबारा से आगे बढ़ने से पहले हमेशा चेक कर लीजिए गेंट चार्ट में टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर आइडियल है तो उसको जोड़ लीजिए आइडियल टाइम आता है जैसे एफ में आया था तो उस टाइम को ऐड कर लीजिएगा सबसे पहले जीरो पे कौन आता है पी आता है पी तो फोर आता है तो वो कितना चलेगा वन चलेगा तो वन चलेगा तो ये सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है अब जीरो के बाद वन यूनिट ऑफ टाइम पे ये प्रोसेस आ गया पी टू तो पी टू आ गया फाइव ये भी फाइव है तो पहले जो चल रहा है ऑलरेडी वही चलेगा तो एक और चला लेता हूँ पी फोर ये हो गया टू माइनस वन हो गया तो दिस इज नाउ फोर ठीक है अब टू यूनिट ऑफ टाइम पे टू यूनिट ऑफ टाइम पे ये दोनों आ गए पी वन भी आ गया

एक माइनस करूंगा तो टू बचेगा ठीक है अब सही लग रहा है कुछ मिस्टेक करी थी हमने पहले अब तो पी थ्री चलेगा कि पूरा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और को तो ये कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा चलिए अब फाइव फोर टू बचा तो टू चलाएंगे पी फाइव अब पूरा चलेगा पी फाइव तो पांच और दो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा टू माइनस टू जीरो हो जाएगा ठीक है अब ये कितना बचा फाइव और फोर बचा तो कौन जाएगा पी फोर जाएगा पूरा चलेगा पी फोर कितना हो जाएगा सात और चार ग्यारह हो जाएगा तो चार माइनस चार कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक बचा पांच तो ये पांच बचा पी फाइव तो ये फाइव माइनस फाइव सॉरी पी टू फिर गलती हो रही है ये होगा पी टू आएगा पी टू कितना है फाइव माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो तो कितना हो ग्यारह पांच सोलह तो सोलह ही था ये तो पांच और एक छह एक सात इन दस और छह सोलह अब ठीक है बिल्कुल ठीक है अब ये बन गया मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे यहाँ सॉल्व करना है इसे आप कर लीजिएगा इसे ठीक है चलिए अब सबसे पहले क्या निकालेंगे कंप्लीशन टाइम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है यहां से देखना शुरू कीजिए P1 वन कंप्लीट हुआ थ्री पे चेंज कर लेता हूँ पेन ब्लैक से साफ दिखाई देगा P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है थ्री है लिख दिया p2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 16 है सबसे लास्ट में है p4 3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 5 है फिर p4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 11 है और p5 का कंप्लीशन टाइम कितना है 7 है ठीक है अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो क्या होता है टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो ये लिख लेता हूं फिर से 3 16 5 11 7 माइनस 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 अराइवल टाइम देखिए

बस टाइम कितना है सीपीयू बस टाइम है तो तो so, आ गया दस uh, so और पाँच पंद्रह सोलह सत्रह कैलकुलेट करेंगे सत्रह को एवरेज वेटिंग टाइम किससे कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय फाइव हाउ मेनी प्रोसेस पाँच तिया पंद्रह दो बचा जीरो जीरो पाँच तिया पंद्रह और कितना आ गया इतना ही आएगा नहीं पाँचों की बीस सॉरी आई एम सॉरी फाइव फोर जा कितना हो जाएगा नाउ इट इज कम्प्लीटेड डिवाइडेड फाइव फोर जा ट्वेंटी तो आंसर इज थ्री पॉइंट फोर येस दिस इज द आंसर थ्री पॉइंट फोर तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ आया थ्री पॉइंट फोर वहाँ कितना आया था वहाँ पे कितना आया था एवरेज वेटिंग टाइम इट वॉज दी फोर पॉइंट सिक्स तो जो प्रियमटिव है उसमें एवरेज वेटिंग टाइम और कम आएगा तो so अगर किसी गेट के क्वेश्चन में हमेशा जनरली क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से कौन ऑप्टिमल है एस डी एफ एफ सी एफ एस और प्रायरिटी और नो, नन ऑफ दी अबव तो उसमें से आप एस डी एफ लगाएंगे और अगर एस डी एफ भी गिवन है और एस आर टी एन भी गिवे तो यू विल आंसर यू विल टेक ऑन एस आर टी एन आपका आंसर क्या होगा एस आर टी एन होगा जो ऑप्टिमल होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो इतना आ गया थ्री पॉइंट फोर आ गया रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना बचा है रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है अब ये अलग आएगा

P2 को कम मिला 11 पे ही मिला बिल्कुल सही है P3 को कम मिला P3 को भी ठीक है 4 पे मिला सही है और P4 को कम मिला P4 को 0 पे मिला और P5 को कम मिला P5 को 3 क्या मिला मतलब पहली बार CPU कम मिला रेस्पॉन्स कम मिला तो उसे 2 पे मिला 11 फोर जीरो थ्री माइनस अराइवल टाइम अराइवल टाइम कितना है टू वन फोर जीरो टू देख देता हूँ टू वन फोर जीरो टू तो कितना आएगा टू माइनस टू जीरो 11 माइनस वन इज 10, 4 माइनस फोर इज़ 0, 0 माइनस 0, 0, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. तो so एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये जिस इज 10 और एक 11 और 11 को अगर आप डिवाइड करोगे किस से 11 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 दूना 10 और फिर पॉइंट फिर एक आ जाएगा 10 और 2.2. तो एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इज टू ये तीनों आंसर आपको लिखने होंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना है और टर्न अराउंड टाइम और ये आपका रेस्पॉन्स टाइम जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो आपको लिखना है Now कैलकुलेट the एवरेज turnaround टाइम एवरेज टाइम एंड response टाइम considering the preemptive एस जे एफ ठीक है ये लिख दिया फिर ये क्योंकि उसने कंपेयर करने को कहा था इस तरीके से लिख दिया एवरेज वेटिंग टाइम इन नॉन प्रियमटिव एस जी एफ इज फोर पॉइंट सिक्स और एवरेज वेटिंग टाइम इज प्रियमटिव वि थ्री पॉइंट फोर यानी कि एस आर टी एन इज मोर ऑप्टीमल इन कंपेरिजन टू प्रियम नॉन प्रियमटिव एस जे एन यानी नॉन प्रियमटिव एस जे एफ शॉर्टेस्ट जो ऑफ जो नॉन है उससे ज़्यादा जो है वो कौन सा है वो एस जे एफ ठीक है तो इस वीडियो में हमने तीन चार क्वेश्चन डिस्कस किए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नए कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे जो गेट में ऑलरेडी पूछा गया है और जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उसको भी सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे ठीक है वेटिंग टाइम निकालने का एक और आसान तरीका है केवल अगर वेटिंग टाइम पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे हम सॉल्व करेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एसजीएफ को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच